वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमारी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी सोशल इशू को लाएं और उस पर बात करें। रोज़ाना हम कुछ ना कुछ ढूंढते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, और उस पर हम अपने माहरीन जो उनकी राय भी आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन के हवाले से। कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, उसका इम्पैक्ट भी आता है, साइकोलॉजिकल कितने बुरे असरात होते हैं, सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे छोटे होने से लेकर बड़े होने तक। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी उज्मा सदाकत, हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इसके साथ साथ फातिमा उस्मान होंगी जो कि सोशल वर्कर हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उज्मा, सबसे पहले तो हम पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन की बात करें। नो डाउट एक बहुत ही डिफाइंड किस्म का हमारे पास एक रिलेशन है, और जिससे बिल्कुल भी इनराव या किसी बात से इख्तलाफ हो जाता है नॉर्मली, लेकिन एट द एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालती हैं, नेगेटिवली। हम जरा पहले रिलेशन को डिस्कस करें, फिर अच्छा। घर किसी भी शख्स के लिए बड़ी ही महफूज कोई पनागा होता है, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें एक महफूज जगह की ज़रूरत होती है, जो एक महफूज एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। ये एनवायरनमेंट घर में पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं। पेरेंट्स ही वो लोग हैं जिस पे बच्चे सबसे पहले ट्रस्ट करना सीखते हैं, और पेरेंट्स की नज़रों के थ्रू वो बाकी दुनिया को देखते हैं। अगर पेरेंट्स के साथ उनका अच्छा ट्रस्ट का रिलेशनशिप है तो वो दुनिया पे भी ट्रस्ट करने लगते हैं, वो लोगों पे भी ट्रस्ट करने लगते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स के ऊपर जो ट्रस्ट उनका है वो शेक होता है किसी भी वजह से, तो फिर उनके लिए दूसरे लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट करना या दुनिया पे ट्रस्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यस, हर एज के अंदर, और खास तौर पे ये छोटी एज से बिल्ड होता आमतौर पे 19 इयर्स की एज तक ये होता है। ठीक हो गया। अच्छा, साथ साथ हमारे फातिमा मौजूद है। फातिमा, आप भी बहुत सारे केसेस ऑब्जर्व करती होंगी, घरों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं इसको पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ बहुत नेगेटिव लेते हैं, और बहुत सारे इधर उधर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो पेरेंट्स के आपस के ताल्लुकात होते हैं वो बच्चे की शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अगर पेरेंट्स में बाहमी इख्तलाफात होंगे तो वो तो बच्चों की शख्सियत के लिए जहर कातिल होते हैं। तो अगर बच्चे का पहला ही जो दर्स का समझ लें कि वो घर का माहौल होता है, अगर आप घर बच्चे को एक अच्छा साफ़ सुथरा सुलझा हुआ माहौल देंगे तो आगे जाके वो बच्चे की शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि उसी से बच्चे की शख्सियत डेवलप होती है कि आइंदा जो उसकी नस्लें होती हैं, उसकी शादी, उसके बच्चे होते हैं, वो ये वाली जो बचपन की तरबियत होती है ये बच्चे पे बहुत ज़्यादा उसकी शख्सियत पे असरअंदाज होती है। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को का जो एनवायरनमेंट है और जो बच्चों को घर का माहौल है वो बच्चों को बहुत पॉजिटिव किस्म का देना चाहिए। लेकिन बच्चे समटाइम उसको भी एक ही घर के बच्चे होते हैं जो बहन भाई आपस में, लेकिन वो उनकी शख्सियत डिफरेंट होती है। ये फिर कुछ उनके अंदर अंदरूनी भी हैबिट्स होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई होती हैं, लेकिन हम उसको एक उस पर जज नहीं कर सकते, हर बच्चे की डिफरेंट होती है। उसमें दोबारा आपकी जानिब आऊंगी। कॉन्फ्लिक्ट्स बेतहाशा होते हैं, मुख्तलिफ वजूहात होती है नॉर्मली बच्चों और पेरेंट्स में। हम अवेयरनेस के हवाले से बात करेंगे ताकि कुछ आइडिया हो जाए। अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो किस तरह के नॉर्मली होते हैं जो हम बच्चों में ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद जो उसके पेरेंट्स के। अच्छा, एक तो हमें बतौर वालदैन ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि दो लोग एक घर के अंदर रहते हों और उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम उन कॉन्फ्लिक्ट का आगे करते क्या हैं, क्या हम उन्हें अच्छे तरीके से रिजॉल्व करते नजर आते हैं अपने बच्चों के सामने, या हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आर्गुमेंट्स में चेंज करते हैं और फिर फाइट के अंदर जाते हैं, जो कि वर्बल अब्यूज हो सकता है, फिजिकल अब्यूज हो सकता है। नॉर्मली जो ज्यादातर हमारे घरों के अंदर प्रॉब्लम्स नजर आती हैं या आर्गुमेंट्स होते हैं पेरेंट्स के बीच में, उनमें से सबसे पहली वजह बच्चों का होना है। यानी जब भी बच्चे घर में आ जाते हैं तो वो कपल जो बच्चों के आने से पहले अच्छे हेल्दी अंदाज में रह रहे होते हैं, उनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स पेरेंटिंग के ऊपर होते हैं कि बच्चों को परवान कैसे चढ़ाया जाएगा, बच्चों को कौन सी वैल्यूज हमने देनी है। इसके अलावा इनकम के प्रॉब्लम्स हैं कि अगर माली मुश्किलात हैं तो उस घर के अंदर भी मसाइल जो हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के बीच में आर्गुमेंट्स उन चीज़ों पर होता है। फिर नॉर्मली हमारे यहाँ इन लॉस की वजह से भी काफ़ी आर्गुमेंट्स पेरेंट्स के बीच में नजर आते हैं कि मेरी बहन ने ये कह दिया, मेरे भाई ने ये कह दिया। सो ये भी चीजें जो हैं वो नॉर्मली होती हैं, फ्रेंड्स की वजह से होते हैं, और वैल्यूज खास तौर पे कि बहुत सारी चीजें हैं, अगर एक पार्टनर उन वैल्यूज को अडॉप्ट करता है या अच्छा समझता है तो मे बी दूसरे पार्टनर का उससे इख्तलाफ हो। सो आमतौर पर ये कुछ इख्तलाफात हैं जो कि हमारे घरों में रोजमर्रा जिंदगी में हमें नजर आते हैं। उसमें नॉर्मली हमारे जो इख्तलाफात होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए
बहुत पैनिक की सिचुएशन भी होती है, हम उसको पॉजिटिव अंदाज में या बहुत स्मूथली हैंडल नहीं करते, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना सिर्फ अपनी पर्सनालिटी बल्कि बच्चों की पर्सनालिटी भी। अच्छा, इसमें पेरेंट्स को दो तीन चीजें जो हैं अगर वो मद्देनजर रखें तो वो चीजों को ज्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। एक तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रिस्पेक्ट को मत भूलें। रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते में ऑक्सीजन का रोल प्ले करती है। अगर हमने ये तय किया हुआ है कि हम रिस्पेक्टफुली बातचीत करेंगे, जो भी मेरा इख्तलाफ है जो भी मेरा इख्तलाफ है मैं उसको बयान जरूर करूंगी, लेकिन अच्छे तरीकों से, अच्छे लफ्जों से और इज्जत एहतराम करते हुए बयान करूंगी, तो ये आपके बच्चों के लिए एक हेल्दी एग्जांपल है कि बच्चे देखते हैं कि घर के अंदर इख्तलाफ होता है लेकिन उसे अच्छे तरीके से निपटा लिया जाता है। हमें ये भी याद रखना है कि हमारा घर जो है वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे घर के एनवायरमेंट से हकीकी दुनिया के साथ निपटना सीखते हैं। सो अगर उनके पास कोई अच्छा एग्जाम्पल है तो यकीनी तौर पे वो बच्चे कल को बाहर जब जाएंगे तो अच्छे तरीके से अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करते हुए नजर आएंगे। सो एक तो रिस्पेक्ट को जरूर मेंटेन रखें, दूसरा अपनी टोन जो है उसको थोड़ा नॉर्मल ही रखें, टोन को ज्यादा ऊंचा ना करें। तीसरी एक चीज पेरेंट्स में नजर आती है स्टोन वॉलिंग करना, कि पेरेंट्स आमतौर पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, एक दूसरे को यूं शो करवाते हैं कि जैसे तुम्हारी बातों का मुझ पे कोई असर ही नहीं है, और बिल्कुल विड्रॉ कर जाना उस सिचुएशन के साथ। एक और चीज पेरेंट्स आमतौर पे करते हैं कि जब माँ देखेगी कि फादर जो है वो ज्यादा आर्गुमेंटेटिव हो रहा है और बच्चों पे बुरा असर पड़ा है, तो माँ आमतौर पे गिव अप कर देती है उस सिचुएशन को, जबकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको गिव अप भी नहीं करना चाहिए बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से रिजोल्व करने की तरफ जाएं। अच्छा, एक और बड़ी सेंसिटिव चीज है बच्चों के अंदर कि आमतौर पे पेरेंट्स जब बंद कमरे में चले जाते हैं कि अच्छा बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, हम अपने कमरे में जाते हैं और आपस में कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करते हैं और अंदर वो तय करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ है या नहीं हुआ, बाहर जाके हम बच्चों को यही शो करवाएंगे कि हाँ हमारे बीच में चीजें जो है वो सेटल हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत सोफिस्टिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस्ट होते हैं, वो आसानी से जज कर जाते हैं कि उनके पेरेंट्स में अभी लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हुआ और अभी प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। सो पेरेंट्स सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि एज इफ हमारे यहाँ सारी चीजें हमने रिजोल्व कर ली हैं। सो ये चीजें भी पेरेंट्स को थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है कि कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करने की तरफ ठीक हो गया। फातिमा, नॉर्मली हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं और उन सिस्टम्स में बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी हैं लेकिन उसमें नेगेटिविटी भी है, क्योंकि अब टाइम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, रिलेशंस का जो एक कहने क्राइटेरिया है या रिलेशंस की एक जो नेचर है वो भी डिफरेंट हो रही है, लड़ाई झगड़े वहाँ पर भी होते हैं और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स है वहाँ पर भी इस तरह के मुश्किल होते हैं। जॉइंट फैमिली मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें नाना नानी दादा सारा दादी सब आपको कुछ सबका प्यार, हाँ प्यार के अलावा उनको ये भी पता होता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनके साथ मुझे किस किस तरह किस किस को किस किस जगह पे रख के और इनके साथ मैंने मिलना है। और मैं काफ़ी साल 10 साल मैं इन लॉज में रही हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बच्चे को सब टाइम्स आपने बाहर जाना है कहीं जाना है तो घर में आपको पता है कि उसका ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग हैं। तो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है लेकिन ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है, सिस्टम है जी। और मैं तो बिल्कुल इसके हक में हूँ, इससे बच्चों पे मेरा बच्चा अभी तक अपनी अभी मैं अलग भी रहती हूँ लेकिन वो हर वक्त चाहता है कि मैं अपने दादा दादी के घर चला जाऊं। ये होता है जी। लेकिन उसके साथ साथ जनाब डाइट की भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अक्सर लोगों को लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स होती है, मतलब लेट खाना है, क्रेविंग्स हो रही है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं आयशा, वो हमें बताएंगी कि इसका क्या इलाज है, किस तरह से आप अपने लेट नाइट क्रेविंग्स को फुलफिल करना है। जी आयशा, हम बात करेंगे लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स की, रात को देर से खाना खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। असल में हमारा आजकल लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया हुआ है कि हमें बाहर के खाने और फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है, बाहर का खाना हमारा बढ़ गया है, कुछ जॉब की रूटीन हमारी ऐसी होती जा रही है कि रात को लेट फ्री होते हैं आके 10-11 बजे खाना खा रहे होते हैं और कुछ लोग उससे भी लेट 2-3 बजे बाहर से खाना मंगवा के खा रहे होते हैं। अब इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जो खाना आप रात को खाते हैं वो बॉडी बर्न नहीं कर पाती क्योंकि रात को आपकी फिजिकल एक्टिविटी यानी चलना फिरना बहुत कम होता है। आपने जो भी खाया आप खा के वो बेड पे बैठ गए हैं या सोफा पे बैठ के आपने टीवी देखना शुरू कर दिया। जो कार्बोहाइड्रेट्स आपने उस खाने में लिए हैं वो
हजम नहीं हुए, वो बर्न नहीं हुए, बल्कि वो आपकी बॉडी पे फैट की फॉर्म में स्टोर हो गए हैं। अब जब बॉडी में फैट बढ़ेगा तो उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसा कि वजन बढ़ जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इसके अलावा दिल के, देखें रात को जो अमूमन लोग खाना खाते हैं वो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, फास्ट फूड हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत कम होते हैं। अब उससे होता क्या है, दिल के मसले बढ़ जाते हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर के मसले हो सकते हैं। इसलिए रात को जो अगर आपने चलें खाना भी है, अव्वल तो रात को खाना ना खाएं, अगर खाना भी है तो प्रेफर करें घर की बनी हुई कोई छोटी मोटी चीज़, जैसे कबाब हो गए, थोड़े से आपने वो ले लिए, एक या दो कबाब ले लिए, रायता के साथ ले लिए, लेकिन अगेन प्रेफर आपने यही करना है कि रात के वक्त आपने कुछ नहीं खाना। रात का खाना हमेशा सोने से 3 घंटे पहले खाना है ताकि बॉडी वो बर्न कर ले, जब बॉडी वो बर्न कर लेगी तो वो फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं करेगी, आपका डाइजेस्टन सही रहेगा, नींद सही आएगी और वजन आपका बिल्कुल आइडियल रहेगा। थैंक यू सो मच आयशा, आप लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स के हवाले से हमें बताई थी। हमारे साथ कॉलर आ चुकी है नबीला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नबीला, क्या कहना चाहेंगी जी? मैं जो डॉक्टर बैठे हुए ना माहिर नफ्सियात जी जी, उनसे बात करना चाह रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ही आपका प्रोग्राम देखा और फर्स्ट कॉल में ही मेरी बात हो गई है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मुझे गुस्सा बहुत आता है, छोटी कभी बड़ी सी बड़ी बात पे नहीं आता और कभी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, और मैं बच्चों को बहुत डांटती हूँ और फिर बाद में पछताती हूँ क्यों डांटा। अच्छा, अपनी पूछना मैं नहीं चाहूंगी लेकिन मैं इन्हें बताना ये चाहूंगी कि अपनी मेंटल हेल्थ का खास तौर पे ख्याल रखने की जरूरत है, और खास तौर पे वॉक को अगर आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें तो वॉक आपके अंदर ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करती है जिससे आपका मूड अच्छा रहता है, और हमारे अंदर डेली बेसिस पे स्ट्रेस पैदा होता है जिससे कॉर्टिसोल जो केमिकल है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, तो वॉक करने से कॉर्टिसोल की कमी होती है और सेरोटोनिन की बेहतरी होती है जिससे मूड आपका अच्छा प्लेजेंट रहता है, और अगर हमें इन्वायरमेंट में कोई भी स्ट्रेस नहीं है तब भी हमारा बॉडी स्ट्रेस प्रोड्यूस हर रोज करेगा। सो हर रोज आपको कुछ ना कुछ करना है अपने इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, सो वॉक जो है वो ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा अपनी जो डाइट है उसका खास तौर पे ख्याल रखें, हम जो खाते हैं उसका भी ताल्लुक हमारे मूड के साथ है। अगर हम बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा मुरगन गजाएं खाते हैं तो हमारा मूड जो है वो जिटरी रहता है, इरिटेबल रहता है, लेकिन अगर हम वेजिटेबल्स का डेली बेसिस पे ऐड अपनी जिंदगी में रखें, जैसे सैलेड के तौर पे रख सकते हैं, फ्रूट्स हम खाने की तरफ जाएं, तो उससे हमारा मूड जो है वो मैनेज रहने की तरफ जाता है। इसके अलावा पानी जरूर ज्यादा कंज्यूम लोगों को करना चाहिए, पानी लोग कंज्यूम नहीं करते। अगर हम 2 से 2.5 लीटर तक पानी डेली पीते हैं तो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से निकलते हैं ज्यादा। फिर नींद का खास तौर पे ख्याल लोगों को रखना चाहिए, ज्यादा लोग नींद का ख्याल नहीं रखते, लेकिन 8 घंटे की नींद अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं तो आप अपना एक नेक्स्ट डे जो है वो अच्छा कंफर्टेबल गुजारने के काबिल होते हैं। तो ये चंद चीजें हैं, अगर वो इनका ख्याल रखेंगे तो इन्हें अपने इमोशंस को थोड़ा हैंडल करना आ जाएगा। ठीक हो गया। आज के टॉपिक के हवाले से फातिमा आपकी जानिब से क्या मैसेज आप देंगे? मैं देखने वालों को कहना चाहूंगी कि आपके आपस में पेरेंट्स के जैसे भी ताल्लुकात हों, लेकिन आप बच्चों को पे उसका गुस्सा मत निकालें, ताकि बच्चे भी अच्छी एनवायरनमेंट में अपने पेरेंट्स के साथ खुश व खुर्रम गुजारें, और ताकि आइंदा आने वाली नस्लें भी हमारी बेहतर हो सकें। बिल्कुल, उसमें आपकी जानिब से मैं ये बात करना चाहूंगी कि एक तो पेरेंट्स जब भी एक दूसरे से बात करें अपने बच्चों के सामने, या बच्चे जब नहीं है उनकी एब्सेंस में भी, तो इज्जत एहतराम के साथ बात करें। आपके लाख इख्तलाफ हो सकते हैं लेकिन उन इख्तलाफात को अच्छे लफ्जों को चूज करके तो दूसरे तक पहुंचाने की तरफ जाएं। दूसरी एक चीज है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट आपका आपस में है तो कभी भी बातचीत का दरवाजा बंद ना करें, बातचीत करते रहें, और जो न्यूट्रल बातचीत है वो आप जिंदगी में रख सकते हैं। अगर कोई हस्बैंड ऑफर करता है अच्छा ये मेरी चीजें वहां रख दो, तो आपको जरूर रख देनी चाहिए, ये इमोशनल बिड्स हैं। इसमें आप अपना झुकाव अगर हमेशा अपने स्पाउस की तरफ रखते हैं, उसके छोटे मोटे काम करते हैं, बात नॉर्मली करते हैं, चेहरे के तासुरात बिगाड़ते नहीं है, स्माइल कर देते हैं या बात इनिशिएट कर देते हैं, तो इससे आपके जो ताल्लुकात हैं वो बिल्ड होने की तरफ जाते हैं, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो दोबारा से जुड़ने की तरफ जाएंगे। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच उस्मा, थैंक यू वेरी मच फातिमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनाब आज का जो टॉपिक था उसके हवाले से हमने आपको कोशिश की कि मैक्सिमम अवेयरनेस दी जाए और आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको सॉर्ट आउट करने की तरफ जाए, ना कि उसको मजीद बढ़ावा दिया जाए। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमें और भी मेहमान ज्वाइन करेंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।